दोस्तों, मैं हूं अमित और फोन रखने वीडियो में आपका स्वागत है। और दोस्तों, आज हमारे पास एक यूनिक प्रोडक्ट है अनबॉक्सिंग के लिए। और दोस्तों, कभी आपने हमारे चैनल पे ऐसा कोई वीडियो देखा है जिसके ऊपर ऐसा कुछ टाइटल है कि भाई जस्ट बाय इट? वेल, ये होता ऐसे है तब जब हम बहुत ही ज्यादा इंप्रेस है किसी प्रोडक्ट के टेक्नोलॉजी को लेकर। और दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ डाइसन के V11 एब्सोल्यूट प्रो के बारे में, जो ना ही दिखता है फ्यूचरिस्टिक बट इज ऑल्सो ए वेरी स्मार्ट वैक्यूम। और मुझे लगा कि ये सबसे बेस्ट प्रोडक्ट है अपने घर को साफ रखने के लिए, और सबसे बेस्ट प्रोडक्ट है जिसको मैं रिकमेंड कर सकता हूँ इस साल। आई थिंक दिस माइट गो इनटू माय बेस्ट परचेजेस ऑफ 2020 लिस्ट, क्योंकि 2020 में सब कुछ खराब ही चीजें निकली हैं। आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट परचेजेस वुड बी दिस डाइसन V11 एब्सोल्यूट प्रो। इनफैक्ट अगर दोस्तों, अगर आपको ध्यान हो तो मैंने पहले भी बात की थी, मेरे पास यूरेका फोर्ब्स का ही एक वैक्यूम है जो इसी साल दो बार खराब हो चुका है, आई डोंट नो व्हाई। और उसके बाद मैं यूज करता हूँ घर के अंदर मी रोबोट, जो अच्छा काम करता है, बट देन दैट्स प्राइमरली फॉर द फ्लोर्स, मतलब आपके घर के अंदर टाइल्स के ऊपर, घर के मतलब अंदर सब जगह सफाई करने के लिए। लेकिन उसको छोड़कर हर जगह साफ करने के लिए आपको चाहिए कुछ ऐसा प्रोडक्ट। वेल, ये हो सकते हैं आपके सीलिंग, मतलब दीवार के ऊपर रहते हुए छोटे छोटे स्पाइडर्स वेब्स, या फिर कर्टेन्स, या फिर सोफा सेट, या फिर वो छुपे हुए कोने जहां पर डस्ट एक्यूमुलेट होता है। और ये ऐसा प्रोडक्ट है जिसको मैंने यहाँ पर काफी दिनों से यूज किया है। मैं सोच रहा था आपके साथ में अनबॉक्सिंग शेयर करूं, बट देन मुझे लगा कि मैं आपके साथ एक कंप्लीट प्रैक्टिकल यूज कैसे शेयर कर दूं। तो यहां पर इस वीडियो के अंदर मैं बात करूंगा डाइसन के इस V11 प्रो एब्सोल्यूट प्रो के बारे में। That's pretty impressive. Well, दोस्तों, अगर हम बात करते हैं डाइसन की, तो यहाँ पर काफी सारे अलग अलग मॉडल्स डाइसन ने लॉन्च किए हैं, और उसमें से आपको जो भी बेस्ट लगे आप उसको खरीद सकते हो। यहाँ पर इसकी प्राइसिंग डिटेल्स और जो स्पेशल प्राइसिंग है उसकी ऑफरिंग आपको डिस्क्रिप्शन एरिया के अंदर मिल जाएंगी। सबसे पहले मैं बात करता हूँ इस प्रोडक्ट के फिजिकल ओवरव्यू, क्योंकि दिखने में ये एक फ्यूचरिस्टिक प्लाज्मा गन की तरह लगता है। अगर आप कॉमिक्स देखते हो तो आपको लगेगा कि भाई मैं अभी ऑफिस भी लेके आ रहा था इसको, और सिर्फ शूट करने के लिए मुझे लगा कि मैं यही पार्ट ऑफिस लेके आऊं, एंड आई वाज जस्ट कैरिंग इट, एंड इट वाज समथिंग कम्प्लीटली आउट ऑफ द वर्ल्ड। लोग हर तरह से देखते कि ये किस तरह की गन है, व्हाई इज दिस गाय कैरिंग समथिंग लाइक दिस। वेल, अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर कंप्लीट डस्ट, जो भी मतलब कचरा है वो यहाँ पर सब होगा। बेसिकली यहाँ पर फ्रंट चेंबर है जहाँ पर सब कचरा यहाँ पर एक्यूमुलेट हो जाता है और यहीं पर रहता है, मतलब यहाँ से नीचे गिरने का मतलब 100% गारंटी है कि नीचे नहीं गिरेगा। और उसी के साथ साथ पीछे की तरफ आपको एक डिस्प्ले मिल जाता है, बहुत ही छोटा सा डिस्प्ले है, लेकिन यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर तीन अलग अलग सेटिंग्स आपको मिलते हैं, जैसे कि इको मोड है, उसके बाद है यहाँ पर मीडियम मोड, और उसके बाद है बूस्ट मोड। वेल, डिपेंडिंग ऑन आपके यूज केस आप इनको यूज कर सकते हो। बेसिकली आपको कोई थर्ड पार्टी ऐप की जरूरत नहीं है, मतलब फोन के अंदर ऐप की जरूरत नहीं है इसको यूज करने के लिए। यस, इट्स ए स्मार्ट गैजेट बट डजंट नीड अ स्मार्टफोन विद इट। सब कुछ एक छोटे से पैनल के अंदर, इनफैक्ट कभी कभी अगर कचरा अटक जाता है, कुछ अटक जाता है फ्रंट साइड में, तो यहां पर एक छोटा सा डेमोन्स्ट्रेशन वीडियो भी आपको मिल जाएगा, विच इज समथिंग वेरी यूनिक। और उसके साथ साथ आपको यहां पर बहुत ही सिंपल तरीके से एक सिंगल बटन है जिससे आप इसको यूज कर पाओगे। इनफैक्ट दोस्तों, अगर हम बात करते हैं जनरली वैक्यूम क्लीनर्स की, तो उनको चाहिए होता है एक फिजिकल वायर, मतलब आपके पावर एडाप्टर से उसको कनेक्ट रखना है अपने पावर को, सक्शन पावर को बढ़ाने के लिए या फिर यूज करने के लिए। लेकिन यहां पर दिस प्रोडक्ट डजंट नीड एनीथिंग, एक बैटरी है जो नीचे की तरफ यहां पर लगी है। और बेस्ट पार्ट है, जैसे मैंने आपको बताया, मैं इसको अभी ऑफिस लेके आया, कभी लगा कि कार के अंदर कुछ गिर गया है, जा रहे थे आप, कॉफी का कप गिर गया, यहां पर कचरा गिर गया हुआ है, डस्ट गिरा हुआ है, तो आपको वो सब उठाने के लिए यू जस्ट नीड समथिंग विच इज वेरी रिमोट एंड विच इज यू नो दिस वे, विच इज समथिंग आप इसको सीधा लेके जाओ और यूज कर दो। एक और चीज दोस्तों, सबसे इंटरेस्टिंग जो मुझे लगी वो है इसके अंदर जैसे कचरा भर जाता है आप किस तरह से इसके अंदर से कचरा निकाल सकते हो, और ये रहा उसका एक कंप्लीट डेमो। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर मोड्स की, तो यहाँ पर तीन अलग अलग मोड्स है। इको मोड, जहाँ पर आपको सबसे ज्यादा बैटरी मिल जाएगी, उसमें यहाँ पर अगर आप देखोगे फुल चार्ज में मुझे यहाँ पर 72 मिनट्स की बैटरी, मतलब मोर देन आवर की बैटरी है। उसके बाद है मीडियम, विच शुड बी गुड इनफ फॉर मोस्ट ऑफ द यूज केसेस, और उसके बाद है यहाँ पर बूस्ट मोड, और उसमें आपको मिलेगा सबसे हाईएस्ट सक्शन,
कुछ इस तरह से, बहुत ही ज्यादा हवा भी बाहर आती है, बट एट द सेम टाइम यहाँ पर इसी पैनल के ऊपर आपको पता चलेगा कितनी बैटरी बची है, और ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। एक अच्छी बात यह है कि यहाँ पर सिर्फ मोड्स आपको सेलेक्ट नहीं करने हैं, डिपेंडिंग ऑन द एक्सटेंशन यहाँ पर ये ऑटोमेटिकली मोड सेलेक्ट कर देगा। डिपेंडिंग लेट्स अगर आप कारपेट के ऊपर कर रहे हो, किस तरह का एक्सटेंशन आपने कनेक्ट किया है उसी के बेसिस पर आप ये ऑटोमेटिकली मोड सेलेक्ट कर देगा। अगर हम बात करते हैं प्रोडक्ट के वेट की, तो इसकी वेट है 3 kg, मतलब 2.97 किलोग्राम्स, और ये परफेक्टली बैलेंस्ड है जब आप इसको यूज करते हो एक हाथ से कुछ इस तरह से। यहाँ पर आप देख सकते हो कि वेट बैलेंस जो कंप्लीट यूनिट है वो इस तरफ है और इस तरफ है, तो परफेक्टली वेट बैलेंस आपको मिलता है। अगर आप कहीं ऊपर की तरफ भी कचरा उठा रहे हो घर के अंदर इस तरह से, तो यू वोंट नोटिस कि यहाँ पर इसका वेट अराउंड 3 किलोग्राम्स है। एक और इंपॉर्टेंट चीज आपको यहाँ पर याद रखनी है कि जब भी आप इसको यूज करते हो तो यहाँ से हवा बाहर निकलती है, लेकिन यहाँ पर डाइसन ने लगाया हेपा फिल्टर जिससे आपको प्योर एयर बाहर आएगी। मतलब आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि यहाँ से जो कचरा ले रहा है ये वैक्यूम, पीछे से भी कचरा आपको वापस से कचरे की तरफ, मतलब हवा, गंदी हवा निकल रही है। और ये चीज आपको ध्यान रखना है, जब भी आप यूज करते हैं कोई सस्ते वाले वैक्यूम क्लीनर्स तो वो काम वही करते हैं, यहाँ से हवा लेते हैं, इट जस्ट पंप्स आउट दैट बैड एयर ऑल्सो इन द एयर इट्स, आपके घर के अंदर ही कचरा घूमते रहता है। सो दैट इज समथिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट टू मेक ए नोट ऑफ। अब दोस्तों मैं बात करता हूं इसके बैटरी की, तो जनरली कंपनी का प्रॉमिस है कि आपको मिलता है 60 मिनट्स का बैटरी। हालांकि अभी मैं देख रहा हूं यहां पर तो इको मोड में मुझे 72 मिनट्स दिखा रहा है, आई मीन ऑलमोस्ट 1 आवर ऑफ बैटरी विद दिस वे, मतलब कोई वायर नहीं कुछ नहीं। इनफैक्ट यस, मीडियम और बूस्ट में बहुत ही ज्यादा बैटरी ड्रेन होती है, बूस्ट में तो सबसे ज्यादा, बट देन बूस्ट मोड आप बहुत ही रेयरली यूज करोगे, जब आपको लगता है कि आपके घर के अंदर बहुत ही ज्यादा कचरा है तब आप उसको यूज करोगे। लेकिन एक प्रॉब्लम जो मुझे लगा वो ये है कि यहाँ पर इसको लगते हैं 5 घंटे फुल चार्ज करने के लिए। वेल दैट्स नॉट एक अमाउंट, बट देन अगर आप घर में सफाई कर रहे हो बीच में अगर बैटरी खत्म हो जाती है देन दैट वुड बी अ प्रॉब्लम, वरना कोई टेंशन नहीं, घर साफ कर दो और उसके बाद इसको आप चार्जिंग के ऊपर रख दो। अब दोस्तों मैं बात करता हूं इस प्रोडक्ट के अटैचमेंट्स की, और यहां पर ये सारे अटैचमेंट्स आते हैं अलग अलग सेंसर्स के साथ। मतलब यहां पर इस यूनिट के अंदर सेंसर्स है, जहां पर आपकी बैटरी है वहां पर भी सेंसर्स है और अटैचमेंट के अंदर भी सेंसर्स है, तो डिपेंडिंग ऑन द अटैचमेंट जो आप इसको कनेक्ट करते हो उसी के बेसिस के ऊपर यहां पर ये मोड सेलेक्ट हो जाता है, और उसी के बेसिस के ऊपर यहां पर सक्शन भी इसकी बढ़ जाती है और सफाई बहुत ही अच्छी तरीके से हो जाती है। इनफैक्ट यहां पर इतने ज्यादा अटैचमेंट्स है कि मैं खुद पर्सनली कंफ्यूज हो गया कि कौन सा अटैचमेंट कहां पर यूज करें। हालांकि डाइसन की टीम ने मुझे बहुत ही एक इंटरैक्टिव डेमो दिया था, लेकिन मैं खुद कंफ्यूज हो जाता है, इतने सारे ऑप्शंस, मुझे लगा कि एक सिंगल अटैचमेंट होता जिससे सब काम हो जाता तो बहुत बढ़िया होता, बट देन दैट्स नॉट प्रैक्टिकल क्योंकि यहां पर बहुत सारे ऑप्शंस है आपके घर के अंदर, डिपेंडिंग ऑन द मटेरियल, डिपेंडिंग ऑन द सरफेस आपको ऑब्वियसली अलग अलग अटैचमेंट यूज करने की जरूरत पड़ेगी, और यहां पर यह डिपेंड करता है एरिया के ऊपर, डस्ट के ऊपर, अटैचमेंट के ऊपर, मतलब लोकेशन के ऊपर, और इसीलिए डाइसन ने हमें बहुत ही ज्यादा ऑप्शंस दे दिए हैं। तो आई थिंक थोड़ा सा समय आपको यूज करना पड़ेगा, स्पेंड करना पड़ेगा इन सारे ऑप्शंस को समझने में। अब चलिए मैं बात करता हूं इसके परफॉर्मेंस की, और दोस्तों ये है डाइसन का V11 एब्सोल्यूट प्रो, और ये एक एक्चुअल प्रो है, वैसा नहीं जैसे कि आप देखते हैं हम नॉर्मली स्मार्टफोन्स के अंदर, हम देखते हैं कि 10,000 के फोन के ऊपर भी प्रो आ गया है, आजकल तो 6,000-7,000 के फोन में भी मतलब कुछ कंपनीज प्रो लगा देती हैं, और नाम में प्रो होने से प्रोडक्ट प्रो नहीं होता है, बट देन दिस इज रियली ए प्रो। वेल फर्स्ट थिंग, बिकॉज यहां पर जो मोटर है ये आपको ऑफर करती है 1,25,000 रोटेशंस पर मिनट, दैट समथिंग लाइक ए जेट रॉकेट, और ये 40% ज्यादा, मतलब इसका सेक्शन बढ़ गया है अगर हम कंपेयर करते हैं इसी के अर्ली जनरेशन मॉडल से जो है V10 वैक्यूम। और यहां पर आप नोटिस नहीं करोगे लेकिन ये ज्यादा इतना साउंड नहीं करता है, मैं आपको एक बहुत ही सिंपल सा एक डेमो दे देता हूं यहां पर, नॉट दैट ह्यूज, मतलब आपके रूम के अंदर आवाज आएगी लेकिन घर के बाहर तक आवाज नहीं जाएगी, लेकिन जब आप बूस्ट मोड एनेबल करते हो दिस इज रियली बूस्टेड अप, That's really good amount of noise. मतलब, but then, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि आप boost mode normally use नहीं करोगे, so you shouldn't be worrying much about it. अब चलिए मैं बताता हूं अपना point of view, अपना review इस product को लेकर। दोस्तों ये है one of the best vacuum जो आपको मार्केट में मिल सकते हैं, लेकिन मैं आपको तभी सजेस्ट करूंगा क्योंकि आप भी तभी इंप्रेस होगे जब आप इसको यूज करोगे, नॉर्मली यू वुडंट बी इंप्रेस विद इट। मतलब आप प्राइस देखोगे बोलोगे यार इतना महंगा प्रोडक्ट है, वंस यू यूज इट गो थ्रू अ डेमो
ट्रस्ट मी, आप इसके बिना रह नहीं पाओगे। आपके अगर आपने घर के अंदर लाखों रुपए का खर्चा किया है, इंटीरियर्स के ऊपर सब कुछ साफ है, आपको लगता है कि आपका सोफा साफ है, देन यू माइट बी रॉन्ग, गो फॉर अ डेमो। आपको समझ में आएगा कि बॉस कितना छुपा हुआ डस्ट आपके घर के अंदर रहता है, जिसके कारण आपको बीमारियां भी होती हैं, अस्थमा जैसी एलर्जीज भी होती हैं, डस्ट एलर्जी भी हो सकती है। और इसीलिए मैं रिकमेंड करता हूँ कि कोई सस्ती चीज़ है ना, नॉर्मली सस्ती इसीलिए होती है क्योंकि वो सस्ती हैं ऑब्वियसली, और ये अच्छी चीज़ें जनरली महंगी होती हैं। बट देन इफ यू मूव आउट द प्राइसिंग अपार्ट, तो उसके अलावा मुझे एक दो चीज़ें और मुझे लगा कि फीडबैक की तरह मैं कंपनी को फीडबैक शेयर करूं, और वो ये था कि ये पहली बात तो ड्राई वैक्यूम क्लीनर। तो अगर आप सोच रहे हो कि आपके घर के अंदर ये मॉपिंग के लिए काम में आएगा उसका वो अटैचमेंट लेकर, तो नो, दिस इज अ ड्राई वैक्यूम क्लीनर, मतलब ये ड्राई डस्ट एक्यूमुलेट करता है। और उसी के साथ साथ यहां पर आपको एक ऑन ऑफ स्विच भी देना चाहिए था, मतलब जब भी हम इसको यूज कर रहे हैं हम इसे कंटिन्यूस दबा के रखना है, एंड दैट इज अ लिटिल इश्यू फॉर मी एटलीस्ट। मुझे लगा अगर हम 10 मिनट के लिए भी कर रहे हैं तो आपको कंटिन्यूसली इस बटन को प्रेस करके रखना है, दैट शुड हैव बीन गिवन विद वन ऑन ऑफ स्विच, कि एक बार ऑन कर दिया अब इसको आपको यहां पर पकड़ने की जरूरत नहीं है, जस्ट कीप मूविंग अराउंड। उसके अलावा दोस्तों अगर हम बात करते हैं तो प्राइसिंग इज समथिंग जो सबको समझ में नहीं आएगी, बट देन गाइज एक बार आपको समझ में आ गया इसका प्राइसिंग, आपने प्रोडक्ट का डेमो ले लिया, देन आई एम श्योर यू वुड गो अहेड एंड बाय दिस प्रोडक्ट। अगेन द V11 Absolute Pro की प्राइसिंग है 52,900 रुपीज। अगेन मैंने आपको लिंक दे दिया डिस्क्रिप्शन एरिया के अंदर, जहां पर आपको काफी सारे दूसरे मॉडल्स भी है, जहां पर इसके अर्ली जनरेशन मॉडल्स भी अवेलेबल है, ऑलमोस्ट सिमिलर टेक्नोलॉजी लेकिन अलग अलग फीचर्स के साथ, अलग अटैचमेंट्स के साथ, अलग बैटरी के साथ। तो आप देख सकते हैं आपके बजट के लिए कौन सा ऑप्शन आपके लिए बेटर रहेगा। बट देन मुझे लगा अगर आप जा रहे हो स्मार्ट होम करने के लिए, बहुत ही बढ़िया घर साफ रखने के लिए, देन दिस इज वन मोर प्रोडक्ट विच यू शुड टेक ए लुक एट एंड कंसिडर। सो दोस्तों ये था कंप्लीट अनबॉक्सिंग। अगर आप चाहते हो इसी तरह के मैं इंटरेस्टिंग वीडियोस, इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट्स की अनबॉक्सिंग करो, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और नाम बताइए कि कौन से प्रोडक्ट्स की मैं कवरेज करूँ इस चैनल के ऊपर, और मैं लेके आऊंगा आप लोगों के लिए उस तरह के वीडियोस। बस दोस्तों ये था एक कंप्लीट ओवरव्यू डाइसन के ही इसी प्रोडक्ट का, जो है डाइसन V11 Absolute Pro। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। मैं हूं अमिताभ, मैं आपको मिलता हूं हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।